आपका वेब दुनिया समाचार में और बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। ब्रिटेन में संसद के बाहर आतंकी हमला, 5 लोगों की मौत, 40 घायल। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बुधवार को संसद के बाहर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंक से प्रेरित इस घटना में हमलावर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने पहले संसद से थोड़ी ही दूर पर स्थित वेस्टमिंस्टर पुल पर पैदल चल रहे लोगों को कार से कुचलना शुरू कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद हमलावर ने संसद के समीप पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में हमलावर भी मारा गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मारे गए पुलिस अधिकारी की पहचान 48 वर्षीय कीथ पाल्मर के तौर पर की है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि पुलिस हमलावर से परिचित थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने ब्रिटेन में संसद परिसर के निकट हुए आतंकवादी हमले को लोकतांत्रिक मूल्यों पर घृणित और अनैतिक हमला करार दिया। डाउनिंग स्ट्रीट पर एक आपातकालीन कोबरा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि हमले को एक ही व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर अपने वाहन से पैदल चल रहे कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 पुलिस अधिकारियों समेत कई घायल हो गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमलावर एक चाकू लेकर संसद की तरफ दौड़ा और वहां उसका सामना हमारी और हमारी लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करने वाले पुलिस अधिकारियों से हुआ। दुर्भाग्य से एक अधिकारी की मौत हो गई। आतंकवादी को भी मार गिराया गया। थेरेसा मे ने कहा कि कुछ समय से ब्रिटेन में खतरे का स्तर गंभीर घोषित है और इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन बोले, किसी भी समय मारा जा सकता है बगदादी। चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह के उपयोग पर लगाई रोक। दिल्ली में करोड़ों के पुराने नोट समेत 4 गिरफ्तार। मंत्रिमंडल ने उपकर अधिभार खत्म करने के संशोधन मंजूर किए। और श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 8 मछुआरों को किया गिरफ्तार।